और सामने हमारे कमलजीत अरोड़ा जी जो कि एलन स्कूल के यहाँ चेयरमैन हैं वो भी बैठे हुए हैं, और उसके साथ फेडरेशन के मेंबर चंद्रजीत, जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर पिल्ले, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राइडी वाइस प्रेसिडेंट, और दूसरे फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके साथ, और लोकल जो इस खेल को पसंद करने वाले इस खेल के लिए यहाँ पर जो आए हैं वो भी बैठे हुए हैं, और खेल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की फर्स्ट बैच की टीम के रनर 6 नंबर की जो रनर हैं उनके ऊपर इस समय अटैक जो है लिया जा रहा है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम जो है वो अपनी कोशिश में लगी हुई है कि वो जल्दी से जल्दी 2 अंक लेकर अपना ये मुकाबला फाइनल का जीते और गोल्ड मेडल को अपने गले में डालकर अपने अथॉरिटी के लिए एक गर्व महसूस करें। एब्सोल्युटली सर, देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर लाइक द वे दे हैव परफॉर्मड इन द वेरी फर्स्ट टर्म अगेंस्ट दिस महाराष्ट्रन ग्रुप, द सेम ग्रुप वाज रिपीटेड initially we have seen a number of the games and in this game as well 4-6-8 right now the active defender we'll just let you know the name is Apeksha Neel, and yes, one more try, a big hand from number 4, but unfortunately there's no result for them. The name is Sheetal Rajendra. Well, good try, one drive appeal, and yes, the whistle has been blown, so the account has been opened by Airport Authority of India. That means the score is level. Level. इस समय बराबर स्कोर कर लिया है और काफ़ी समय इनके हाथ में है, अभी 7 मिनट से ऊपर का समय इनके पास, और ये इम्पॉसिबल सा है एक अच्छी टीम में किसी डिफेंडर को 7 मिनट निकालना। तो दो प्लेयर इस समय महाराष्ट्र के खेल रहे हैं, और 8 नंबर की जो प्लेयर हैं महाराष्ट्र की उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। या शी इज रूपाली सूर्यकांत एंड शी इज द एक्टिव डिफेंडर राइट नाउ एंड शी इज इन बिग ट्रबल। वी हैव सीन नंबर ऑफ अटैक्स अगेंस्ट हर एंड ट्वाइस शी फेक्ड एंड यस शी वाज सक्सेसफुल। राइट नाउ शी इज प्लेइंग मिक्स चेन एंड ट्वाइस एंड बट द सेम मिस्टेक्स वी हैव सीन फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड दीस गाइज दीज गर्ल्स फ्रॉम महाराष्ट्र दे डोंट माइंड टचिंग द गाइज हु आर सिटिंग देयर द चेजर्स। ये जो बीच बीच पे सीटेड चेजर को टच कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एम्पायर्स को देखना पड़ जाता है कि वो टच जो कर रहे हैं उसे एडवांटेज ले रहे हैं वो, और अगर वो देना चाहे तो फॉल भी दे सकते हैं इस जगह पर, लेकिन गेम के टेम्पो को और देखते हुए और डिफेंड जो है उसको ये देखते हुए कि डिफेंडर को इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा है तो वो कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये एज पर रूल वो फॉल दे सकते हैं। Well, airport authority guys, they are not happy, especially the captain. And Apeksha is there right now. Well, the captain of airport authority, Nasreen. Well, she has appealed for the tap, but no. Umpire and the referee, they didn't give the favor which airport authority player was looking for. And still, we have seen two players, number 8 and number 6, are. On the court, number 8 is Rupali and number 6 is Apeksha Anil. Well, brilliantly they have just switched their positions and number 8 is now the active defender. Well, the foul. Well, this is what a pressure game can do to you. We have seen in the very first term, no whatsoever fouls was there from Airport Authority. And now, yes, the success is in the Airport Authority's court. The captain excelled, Nasreen. She took a point, a simple touch, and yes, number 6 is out. अब 4 नंबर के खिलाड़ी जो कि एक सिर्फ अब यूँ कह लीजिए कि मैच तो इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो जीत चुकी है, और ये किसी भी समय कैप्टन जो है वो डिक्लेयर कर सकता है इस टर्न को, और उसके बावजूद कोशिश एयरपोर्ट थर्टी की कि हम 4 नंबर के खिलाड़ी जो दौड़ रही है उसको भी आउट करें। Absolutely, I mean they are taking full chance. They know the game is in their pocket. Yes, the final is blown, and this is 53rd Senior National Khoko Championship 2019.
is being won. The women category is being won by Airport Authority of India versus Maharashtra with definitely a one-sided, we just can't say one-sided, but yes, very tough game they have played. And yes, they are the champions of 2019 and 20. Yeah, Sudhir ji, samay 4 minute aur 26 second jo hain wo baki bache hue the aur क्योंकि लीड बहुत कम थी, इसलिए दो पॉइंट लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम के लिए, जो उनकी परफॉर्मेंस के उसके हिसाब से इस समय कोच सुमित भाटिया बहुत खुश नज़र आ रहे हैं टीम के साथ. अभी बाहर निकले हैं ग्राउंड से, मतलब एरिना की तरफ, और महाराष्ट्र की टीम जो है वो इस समय एज ए स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में खड़े होकर इस डिफीट को एक्सेप्ट करके उस भगवान का शुक्र अदा कर रही हैं कि वो इस मुकाम तक पहुंची और आगे आने वाले टाइम पर भगवान उनको और अच्छे पोजीशन पर लेके जाए. और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिना किसी इंजरी के, बिना किसी और तकलीफ के, वो जो है इस टूर्नामेंट को कंप्लीट कर सकी हैं. और हमारे तरफ से भी इन दोनों टीम के खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारक है कि इतना अच्छा मैच हमें देखने को मिला, हमारे व्यूअर को देखने को मिला, और उसी तरीके से अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम भी